कोटा में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के चलते चंबल के तट कट चुके हैं। 200 साल से अधिक पुराने चांदमारी बालाजी मंदिर को भी नुकसान हुआ है, खतरा हुआ है। चंबल के तट पर बना हुआ कोटा का चांदमारी बालाजी मंदिर चंबल तट पर अचानक मिट्टी कटाव से मंदिर की नींव में दरार हुई है और कभी भी एक गंभीर हादसा हो सकता है और मंदिर की सुरक्षा को लेकर भक्त इन दिनों चिंतित भी है। अधिक अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुट गए। प्रणय, देखिए कोटा में जो बाढ़ का कहर है वो अब कई क्षेत्रों में बढ़ चला है। बाढ़ के चलते चंबल के तट कट गए हैं और चांदमारी बालाजी मंदिर को भी खतरा बताया जा रहा है। भक्त चिंतित हैं, क्या अपडेट इस पर? जी, कोटा संभाग में बहुत ज्यादा पानी और चंबल में जो पानी छोड़ा गया है उससे जो नदी के तट पर बने नदी का जो तट था उसमें भारी कटाव हुआ है। जी, यहाँ शहर के 200 साल से ज्यादा प्राचीन मंदिर है चांदमारी बालाजी मंदिर, उसकी सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। यहाँ चंबल में आई बाढ़ के चलते मंदिर की चंबल तट की मिट्टी का कटाव होने से मंदिर की सुरक्षा को लेकर भक्तों में चिंता बढ़ गई है। ये मिट्टी का जो कटाव है वो बिल्कुल मंदिर के किनारे पहुंच गया है, जिससे उसकी नींव में खतरा पैदा हो गया है और उस विकट स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ बनी सुरक्षा दीवार में भी दरारों के साथ परिक्रमा मार्ग ध्वस्त हो गया है। कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। यहाँ एवन टीवी की टीम गई थी कल शाम को, तो वहाँ एक 62 साल के बुजुर्ग परशुराम शर्मा हैं, उन्होंने बताया है कि मिट्टी के कटाव से मंदिर को नुकसान होने की घटना पहली बार हुई है। मतलब मंदिर किनारे पे बना हुआ है लेकिन ये जो कटाव हुआ है ये इस कदर पहली बार हुआ है। हालांकि 2006 में यहाँ की सुरक्षा की मांग को लेकर कई बार प्रशासन को बता दिया गया था लेकिन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। इस बार जो ये कटाव है ये भारी कटाव हुआ है, इसको लेकर भक्तों में चिंता भी है, थोड़ा रोष भी है। वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये कटाव बालाजी मंदिर बालाजी परिसर तक पहुंच गया है तो इसके लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाए, इसलिए प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलने जा रहा है जल्द ही। जी चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।